मैन जो है ये आकर ये वाकई पूरे हिंदुस्तान में और मैं कह सकता हूँ कि पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक क्रांति लेकर आया है एंटरटेनमेंट को लेकर और खेल जगत को लेकर, तो इस पर सबसे पहले क्या कहेंगे सर आप? नहीं, आपने बहुत सही वर्ड किया, यूज़ किया कि क्रांति लाया है जी, और जो खेल बदल गया है तो वाकई में खेल बदल गया है। तो आज अगर आप T10 की जो पेस देखते हैं, जो उसके जो जिस हिसाब से वो खेला गया है और जिसके जो रिकॉर्ड्स बने हैं, तो कुछ फिगर्स हैं यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैचेस तो हमने कुछ 6,000 रन बने एक मैच। आप सोचो कि एक सिर्फ 20 ओवर का होता है क्योंकि 10 ओवर की इनिंग्स है, मतलब एवरेज स्कोर 10 के ऊपर है एवरेज पूरे टूर्नामेंट का। तो ये एक पेस है इसका, और तकरीबन 425 छक्के लगे हैं सिर्फ 29 मैचेस के अंदर, और 450 बाउंड्रीज भी इतने लगे हैं। तो ये काफ़ी, और जो स्कोर्स जो बने हैं तो 183/2 बना है जो नॉर्थन वॉरियर्स की जो चैम्पियन टीम है वो 10 ओवर में बनाए। तो ये जब 183 स्कोर बनता है 10 ओवर में और सेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर्स हैं, सब इंटरनेशनल ही खेल रहे हैं, तो ये क्रिकेट के नए पॉसिबिलिटीज ये शुरू हो जाते हैं। अब आज जो माइंडसेट है क्रिकेटर्स का, वो सोच रहे हैं अरे 10 ओवर में अगर हम 83 बना सकते हैं, और विकेट भी नहीं गए, सिर्फ 2 विकेट ही गए थे, जब ये हो सकता है कि आप 20 ओवर में क्यों हम 180 और 160 का टारगेट करते हैं, क्यों नहीं हम 250 का टारगेट करें, क्यों नहीं हम 300 का टारगेट करें। तो ये मेरे हिसाब से वक्त दूर नहीं है कि आप अभी T20s के अंदर 300 बन जाएगा। सर एक ये भी आप दोनों से मैं ये सवाल करूंगा, क्योंकि टैगलाइन है कि खेल बदल गया है, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि अब सोच भी बदल गई है, ये भी मैं कह सकता हूँ इसको लेकर? ये बिल्कुल जो शाहजी भाई कह रहे हैं कि खेल बदल गया है, सोच बदल गई है, क्योंकि प्लेयर लोग ये देख रहे हैं कि अगर प्लेयर लोग ये अमाउंट ऑफ रन्स बना सकते हैं हर ओवर में और 10 ओवर में 183 मतलब 18 पॉइंट एवरेज लेके चल सकता है, तो अगर 10 ओवर में ये हो सकता है तो इस साल आप देखना कि बिल्कुल खेल बदल जाएगा। 20 ओवर में क्या होने वाला है वो IPL में इस साल आपको पता चलेगा, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई है, प्लेयर्स लोग सोच रहे हैं कि ये हो सकता है। इसमें क्या है, 10 ओवर होती है, इसमें एक भी डॉट बॉल मतलब टॉलरेट नहीं किया जाता, मतलब हर पे छक्का चौका, और 71% 10 ओवर में आप देखोगे चौके और छक्के से ही आया हुआ है एज एन एवरेज। तो 10 ओवर में फर्स्ट 3 ओवर्स हमारे पावर प्ले होते हैं और उसमें वो लोग लिफ्ट कर सकते हैं, और वो 3 ओवर का स्कोर बहुत मायने रखता है हर टीम के लिए, जो नॉर्दर्न वॉरियर्स ने बहुत सीरियसली लिया था, और हमारे ओपनिंग 2 बैट्समैन ने काफ़ी रन बनाए फर्स्ट 3 ओवर में, उसके लिए उनको लीड काफ़ी मिली थी, और इसी वजह से उनकी विक्ट्री भी यही टारगेट से थी कि बेसिकली फर्स्ट 3 ओवर्स में वी हैव टू गेट गोइंग। प्रवीण तांबे ने भी बहुत अच्छा मतलब हैट्रिक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो इंडियन प्लेयर्स हमने इस बार 8 प्लेयर लिए थे जी। जो फिल वक्त दुनिया में हमारी वाहद लीग थी जी। जो सारे साउथ एशियन प्लेयर्स खेले इंक्लूडिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स, कि हमें इंडियन प्लेयर्स का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जैसे प्रवीण ने हैट्रिक के साथ 5-4 लिया, डोंट फॉरगेट कि वे सिर्फ 2 ओवर हैं ये, तो 12 बॉल में उन्हें 5 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसके साथ कोई और भी हैट्रिक हुए टूर्नामेंट के अंदर, तो 2 हैट्रिक्स हुए, और बैट बॉल का जो कंपटीशन है कि भले बैट ने डोमिनेट किया लेकिन कई मैचेस के अंदर टीम्स कुछ 60 या 70 के अंदर ऑल आउट भी हुए हैं। तो इसके ये पता चलता है इसके साथ कि भाई 10 ओवर में कुछ भी हो सकता है, बॉलिंग भी मायने रखती है बिल्कुल जी, और बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा, आई थिंक जो लोग सोच रहे थे कि डेफिनेटली यहाँ पर था कि जो लोग बॉल करके चेस करेंगे वो लोग ही जीतेंगे, पर हमारी दोनों हाई स्कोरिंग मैचेस में हमने बैटिंग पहले ली थी, तो ये रॉन्ग प्रूव किया गया है कि चेस करने से ही गेम जीत सकते हैं जी बिल्कुल। सीजन 3 की प्लानिंग के बारे में जानना चाहेंगे, नाउ आई एम श्योर प्लानिंग हैज बिगन ऑलरेडी, सो व्हाट नेक्स्ट? देखिए सीजन 3 हम अक्टूबर में हमने प्लान किया है अभी, और अक्टूबर के डेट्स हैं क्योंकि FTP जो है वर्ल्ड क्रिकेट की नॉर्मली बहुत कंजस्टेड होती है, तो इस बार हमने देखा है कि फेयरली फ्री है कि अक्टूबर नवंबर का स्लॉट हमें, तो हम डेट्स फिक्स करेंगे उसके, और बस ये है कि देखिए पूरी इस सीज़न 2 के अंदर जो 12 दिन की लीग हुई है,
ये हमने प्रूव कर दिया कि एक प्रोफेशनल लेवल पे प्रोफेशनल क्रिकेट और लॉन्ग ड्यूरेशन जो मिनिमम 12 दिन तो होनी चाहिए एक लीग को, वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो सारी दुनिया में प्लेयर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, बोर्ड्स ऑफ प्लेयर्स, यहाँ तक कि कई क्रिकेटर्स ने यह कहा है कि भाई क्रिकेट को अगर ओलंपिक्स के एस्पिरेशन रखना है तो ये T10 इज़ द राइट फॉर्मेट, क्योंकि 90 मिनट्स में आपका गेम ख़त्म हो जाता है. तो टुडे क्रिकेट दुनिया के स्पोर्ट पे नंबर 2 है, फुटबॉल नंबर 1 है. अच्छा, फुटबॉल नंबर 1 इसलिए है कि 90 मिनट्स गेम है ये. तो अब इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट पे ले आए कि भाई क्रिकेट भी 90 मिनट्स हो. अब फुटबॉल को कंपटीशन आ गया है बिल्कुल 10 ओवर्स के साथ, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट नंबर 1 हो जाए सारी दुनिया में. ओलंपिक्स की बात की जाए तो यही फॉर्मेट है जो जा सकता है ओलंपिक्स के लिए, तो उसके लिए क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए आज ओलंपिक्स में क्रिकेट ICC ने इससे पहले कोशिश किया था तो ओलंपिक्स एसोसिएशन ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि ये बड़ा लंबा ड्यूरेशन का गेम है. क्योंकि आज जो T10 एक प्रूव हो गया है तो काफ़ी प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स और बोर्ड्स ऑलरेडी कन्फर्म स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई ये राइट फॉर्मेट है. तो नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि ये होगा कि इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जैसा T20 के सीरीज़ हैं वो T10 के स्टार्ट होंगे. तो नेक्स्ट स्टेप होगा फिर ओलंपिक्स. तो हमारी सबकी उम्मीद है कि भाई एक दिन T10 क्रिकेट ओलंपिक स्पोर्ट हो जाएगी. और ये ऑल्सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सारे प्लेयर्स फर्स्ट सीजन से लेके, मतलब फर्स्ट सीजन में कम प्लेयर थे, 4 दिन की मैचेस थी, 6 टीम्स थे, अब 8 टीम हो गए, लगभग 120 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने खेला, एक 300 प्लेयर ड्राफ्ट में आए थे. और बहुत खुशी की ये बात है तो बहुत सारे लोग ने T10 में अपने खेल दिखाए, और IPL में इनफैक्ट जो हमारी टीम थी नॉर्दर्न वॉरियर्स, उन्होंने कप जीता है विद द हेल्प ऑफ रॉबिन सिंह एंड डैरेन सैमी हमारे कैप्टन थे. और हमारे 10 प्लेयर IPL ऑक्शन के लिए चूज़ हुए, उसमें से 5 अलग अलग टीम में, पंजाब में, KKR में चूज़ किए गए इस साल IPL खेलने के लिए. All right, thank you.